video of class 9th history. We are doing now the first chapter, that's the French revolutions. I hope you people are watching the videos and what making your notes and understanding well. If you people are having still any doubt, then you can just WhatsApp me. I will clear your doubts. Let's start now. This topic, these are the topics which we are covering right now. Anyway, today's topic is that what the outbreak of revolutions and France become a constitutional monarch. The two things we will discuss today. So let's move. These are the very important things you must know and you must write it, because today also we are going through this, some of these difficult words, must know this all. Then I hope you people have understood the causes of French Revolution, economic causes and everything you have understood, political causes, growing middle class that we have discussed in the previous, who are they, and these are the, बोलते ना कि आग में घी डालने का काम इन लोगों ने किया था. वो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन भी हमने कल डिस्कस कर चुके थे, इसका कारण क्या था, और जैसे मैंने इस सब में आपको डिस्कस करवाया था, सॉरी हमने डिस्कस किया था, तो आज फिर से इसको थोड़ा करते हैं, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, समझ में नहीं आएगी. 5 मई 1789 को क्या हुआ, लुईस 16 ने फिर से मीटिंग बुलाई, असेंबली बुलाया. असेंबली का मेन बुलाने का मेन मोटिव क्या था कि अभी जो ट्रेजरी खाली हो चुकी है इसमें इनको टैक्स बढ़ानी थी, जिसमें इनने बुलाया क्या, मीटिंग. इस मीटिंग में फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव अटेंड हुए और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव आए. इसमें पीजेंट आर्टिशियंस वुमेन्स डिनाइड टू एंट्री इन द असेंबली, और ये लोग, इन लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव 600 गए थे, इनके हाथ 40,000 लेटर भिजवाए थे ताकि हमारे पास चीजें उनको बोला जाए. और आप यहाँ पे देख सक रहे हो, यहाँ पे जो 150 यहाँ 150 बैठे हुए हैं और जो 600 है ये सब आजू बाजू खड़े हुए हैं. इन लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, देवर नॉट इवन अलाउड टू सिट इन दैट. एनीवे देयर वाज ए व्हाट प्रोसीजर ऑफ वोटिंग इन द, कोई भी डिसीजन होता है तो फाइनल कंक्लूजन के लिए वोटिंग होगी. तो यहाँ जो वोटिंग का था, वो वोटिंग क्या था कि ईच स्टेट विल गिव 1 वोट, और जिसमें से कि ये जो थर्ड स्टेट वाले थे दे वर नॉट एग्रीड विद दिस, उन लोगों ने बोला कि एक आदमी को, ईच पर्सन मस्ट हैव 1 वोट. तो इन दैट केस यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी हुई, कोई माना नहीं, तो ये लोग वहां से वॉकआउट कर लिए थे. कौन, ये जो थर्ड स्टेट के लोग. अभी वॉकआउट करने के बाद क्या हुआ, ऐसा है कि इंडोर टेनिस कोर्ट था जहां पे ये लोग क्या गैदर हुए. वोटिंग इन द स्टेट जनरल, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट. ये जो ईच मेंबर हैव 1 वोट, मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, क्यों किया ये समझना. ये जो आइडिया वाज गिवन बाय फिलोसोफर लाइक रशियो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया और इसको आंसर को नीचे दिया हुआ है. ये 1 मेंबर 1 वोट का आइडिया द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रशियो फिलोसोफर किताब में है. तो रिप्रेजेंटेटिव of the estate on 20 June assembled in all the hall of indoor tennis court in the ground of Versailles, जो मैंने आपको ये बता रहा हूँ, देखो Versailles ground में ये है, यहाँ पे indoor सब एकत्रित हुए. They declared themselves a national assembly, इन लोगों ने अपने आप को national assembly बताया, and so not dispersed till, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम एक constitution यहाँ नहीं बना लेते. Okay, we will not move from here until and unless we make a constitution. इन लोगों ने ठान ली, यहाँ से थर्ड स्टेट के लोग एकत्रित हो गए. इसके बाद ये जो नेशनल असेंबली इन लोगों ने डिस्कस किया ये टेनिस कोर्ट में, इसमें दो लोग ऐसे थे जो इसको लीड कर रहे थे, लीडर्स ऑफ द नेशनल असेंबली विच वॉज हेल्ड इन द टेनिस कोर्ट. कौन है, एक है मीराबाओ एंड अबे शिंग.
इज मिराबो? ही वॉज बॉर्न इन नोबल फैमिली बट वॉट डिस्कार्डेड हिज फ्यूडल प्रिविलेज. ये जो फ्यूडल प्रिविलेज थी वो लिए नहीं, मगर ये नोबल फैमिली में पैदा हुए थे. He brought out a journal and delivered a powerful speeches to crowd to inspire them at Versailles. जो टेनिस कोर्ट में ये लीड कर रहे थे, इन्हें गलत समझा था वो चीज को कि प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, बर्थ राइट से बर्थ से प्रिविलेज नहीं होना चाहिए. और अबसाई जो थे ये प्रीस्ट थे और ये बहुत सारे पॉम्पलेट बना बना के लोगों को इसकी आइडियाज को स्प्रेड करते थे. ये भी इंपॉर्टेंट लोग थे जो अपने आइडियाज को स्प्रेड करते थे. इनका जो पॉम्पलेट था वो क्या था, व्हाट इज द थर्ड स्टेज ने बनाया था, और इनके पिक्चर यहाँ पे है आप देख सकते हैं. उसके बाद देखना स्टॉर्मिंग एट बोस्टर. 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. अब समझ लो कोई इमरजेंसी होता है तो उस समय. अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट द प्राइसेस ब्रेड रोज. अभी उस समय क्या कि एक सीवियर विंटर हुआ था जिसके चलते बैड हार्वेस्ट हुआ, अच्छे से क्या बोलते हैं क्रॉप्स नहीं हुई, जिसके चलते प्राइस जो थी इनकी ब्रेड की, जो इनकी स्टेपल फूड है उसकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी थी. और बहुत सारे लोग क्या एकत्रित हो गए थे, वुमेन्स खास करके दुकानों के सामने एकत्रित हुए थे ये सब. और प्राइस ज्यादा को चलते ये लोगों ने क्या किया, शुरू कर, इन लोगों ने समझा कि ये दुकान वाले इनको लूट रहे हैं. इसके चलते इन लोगों ने एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू स्टोर शॉप, जितने दुकान थे उसके ऊपर इन लोगों ने क्या बोलते हैं हल्ला बोल दिया. द आर्मी वॉज ऑर्डर्ड बाई किंग. उस समय जो किंग थे हमारे लुई 16, इनने आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि सिटी के अंदर जाओ और क्या करो, इसको कंट्रोल करो. और उसी बीच एक रूमर फैल गया लोगों के बीच में, क्या कि किंग ने आर्मी को ऑर्डर दिया हुआ है कि लोगों के ऊपर ओपन फायर करे, लोगों को ओपन फायर करके मार, शूट आउट का ऑर्डर दिया गया है. ऐसा लोगों के अंदर में एक रूमर आ गया था. थाउजेंड पर्सन गैदर्ड एंड डिसाइडेड फ्रॉम पीपल ऑफ मिलिट्री दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स. आर्म को ढूंढते ढूंढते आर्मियों को, क्या आर्मी आएंगे ये लोग पहुंच गए और इनको ढूंढते ढूंढते बहुत सारे बिल्डिंग तोड़ दिए. मसले वॉज डिक्लेयर एज फोर्ट्रेस प्रिजन. यहाँ पे देखना एक फोर्ट था जहाँ प्रिजनर्स रहा करते थे. अभी इसका क्या है मैंने यहाँ दिया हुआ है, अभी आप लोगों को नेक्स्ट में आ जाएगी, देखना वो आएगा कि फोर्ट्रेस प्रिजन क्या है. इट वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. ये जो एरिया थी ये डेस्पोटिक पावर था किसका, किंग का. यहाँ किंग का रोल था, इसीलिए लोग यहाँ पे प्रिजनर्स पे रखे जाते थे जिसके चलते लोग उसको तोड़ने लग गए थे. दैट मीन्स गवर्नमेंट का कोई भी चीज देखे इन्हें तोड़ना चालू कर दिया जो भी किंग को बिलोंग करता है. Protest stormed into the bastion in search of arms. The commander of bastion was killed. The prisoners were released. जो prisoners थे उनको release हो गए. The fortress was demolished. Louis XVI finally accorded recognitions of National Assembly and accepted the principle that its power would be now on the checked by the Constitution on the night of 4th August 1789. मतलब इतना सब होने के बाद Louis XVI यहाँ मान गया. उनने बोला कि हाँ नेशनल असेंबली तुम लोगों ने जो लॉ बनाया है मैं मानता हूँ, इसको ही मैं आगे बढ़ाता हूँ. और 4th अगस्त 1789 को असेंबली को पास डिक्री एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस. जो भी टैक्सेस थे, फ्यूडल सिस्टम थी, ये सब 4th अगस्त 1789 को खत्म हो गया. यहाँ पे राजा मान गया कि हाँ आप लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे करेंगे. अब स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल क्या है इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस में बताया यहाँ पे हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं. द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल टुक प्लेस इन पेरिस फ्रांस ऑन 14 जुलाई 1789. द वायलेंट अटैक ऑन द गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द फ्रांस सिग्नल्ड दैट स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सिग्नल्ड दैट मींस यहां से हो गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ 1789 से. व्हाट वाज द बास्टिल, 100 इयर्स ऑफ द वॉर फाउट बिटवीन. अभी यह समझना कि यहाँ पे क्या हुआ था, वॉर फाउट हुआ था. बास्टिल एक जगह है, इसको यहाँ पे 100 इयर्स ऑफ वॉर फाउट इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड लास्टेड 1337 से 1453 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक झगड़ा हुआ करता था. द वॉर वाज सीरीज ऑफ बैटल विथ लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस इन बिटवीन. वो जो जगह था जहाँ पे इसको अपने सेफ के लिए ये बनाई गई थी प्रिजनर्स के लिए, वो था बास्टिल. Who stormed the Bastille? The revolutionary who stormed the Bastille were mostly craftsmen, stored owners who lived in Paris. They were members of French social classes and third estate.
There were around 1,000 men who participated in the attack. अभी आप समझना, मैंने स्टॉर्म से बासिल तो पढ़ा दिया, मगर यहाँ बास्टिल को अच्छे से आपको समझने के लिए कि बास्टिल क्या था, इसको समझने के लिए मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा रिसर्च करके आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बास्टिल में कैसे क्या हुआ था, वेयर पीपल किल द बॉटल्स, आफ्टरमैथ क्या हुआ, व्हाट डज रिप्रेजेंट टुडे, आज इसको क्या बोलते हैं, बॉस्टल के बारे में ही मैंने पूरा एक वीडियो यहाँ पे, सॉरी दो स्लाइड यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे यहाँ पे क्या हुआ था, मगर बॉस्टल जो क्वेश्चन आ रही थी ये दो स्लाइड मैंने उसके ऊपर बनाया हुए हैं। आप एक बार इसको रीड कर दीजिएगा और कोई भी डाउट है तो ये आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, ठीक है। तो देन आता है हमारा फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ये फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब अभी तो हमने देखा है कि जो बास्टिल में हुआ उसके चलते राजा मान गया था 4 अगस्त को, मान गया 1789 को, द नेशनल असेंबली द ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में इन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के ड्राफ्ट किया। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट हुआ है, 26 नवंबर 1949 को, और एनफोर्स कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। तो वैसे ही इनका कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ ड्राफ्ट हो गया। द पावर वेयर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, व्हिच मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। जो यहाँ पे डिवाइड हुआ इसको क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब ये समझना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो बने उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या है। यहाँ पे अल्टीमेट पावर जो है ना वो किंग को ही है, मोनार्क है मगर फिर भी यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए किंग्स है, दैट मींस नेशनल असेंबली है, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बोला जाता है। लोगों ने बहुत सारे लॉ बनाए, द लॉ मेड बाय नेशनल असेंबली। देखो अभी इनका कैसा था ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, अभी देखो किंग को क्या था, विटो पावर। विटो विटो मतलब क्या है, रिजेक्शन पावर, मतलब यहाँ पे नीचे से आते हैं, यहाँ पे वुमेन चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ये लोगों को क्या है, पैसिव, एक्टिव और पैसिव दो चीजें यहाँ बनाया गया। नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मैन, इन लोगों को कोई राइट्स नहीं था क्या वोट देने के लिए, पैसिव सिटीजन्स को कोई राइट्स नहीं था। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ ना, ये जो जो वोट देने या नहीं देने का अधिकार जो बनाया गया ना, ये रिचेस्ट सोसाइटी की कैटेगरी को देखते हुए बनाया गया था और इसमें पैसिव और एक्टिव सिटीजन्स डिवाइड कर दिया गया। ऐसा इनका कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना था। एक्टिव सिटीजन्स जो थे दे आर अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, मतलब पॉपुलेशन इनकी 28 मिलियन थी जिसका 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स थे। ये लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, वोट देंगे। 50,000 मैन वुमेन्स को खड़े होने की तक की क्या अधिकार नहीं थी, आप ये समझ लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्शन देंगे 50,000 मैन एंड वोट देके कितने को इलेक्ट करेंगे, 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली में जाएंगे, इनमें से मिनिस्टर बनेंगे और ये लोग देश को कंट्रोल करेंगे। इनको क्या बोला गया, लेजिस्लेचर बोला गया। जो भी डिसीजन होगा नेशनल असेंबली और ये लोग मिलकर लेंगे, मगर फाइनल आप समझना कि यहाँ कोई डिसीजन लिया गया, राजा से पूछा गया और राजा उसको मना कर देते हैं तो वो लागू नहीं होगा। इसको बोलते हैं वीटो पावर, मतलब रिजेक्शन पावर। किंग कैन रिजेक्ट एनी ऑफ देयर व्हाट सजेशंस और एनी ऑफ द लॉ व्हिच इज मेड बाय नेशनल असेंबली, इट इज कॉल्ड वीटो पावर। और मगर ये नेशनल असेंबली राजा कभी अपने मनमानी यहाँ कर पाए या कुछ अटपटा कर रहा है तो नेशनल असेंबली उसको कंट्रोल करेगा। एग्जीक्यूटिव कौन हो गया, किंग हो गया और बाकी जो मिनिस्टर्स रहे और लेजिस्लेचर जो इलेक्ट होके आए। और एक यहाँ पे देखो अटपटा चीज, जज भी इलेक्शन के द्वारा ही इलेक्ट होता था, मतलब वोट से ही होता था, जुडिशियरी जो जज है ये भी यहाँ इलेक्शन होता था। तो ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों का बना जिसका 1791 में, द लॉ मेड बाय द नेशनल असेंबली, जो मैंने चीजें आपको बताया, मैन हु वर अबाउट 25 इयर्स एज हु पेड टैक्स इक्वली एटलीस्ट 3 डेज ऑफ अ लेबर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड दे आर राइट टू वोट, रिमेनिंग मैन वेयर ऑल वुमेन क्लास्ड अ पैसिव सिटीजंस जिसको कोई अधिकार नहीं है टू क्वालिफाई एन इलेक्टर, देन द मेंबर्स ऑफ द असेंबली और मैन हैड टू बिलोंग द हाइएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अब समझो यहाँ पे आपको आना है असेंबली में जाना है तो आपको टैक्स पेयर होना चाहिए, ज्यादा टैक्स देना हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजंस, वुमेन नहीं है आप समझ लो, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजंस,
according to the declaration, the right of life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before the law, established as a right and was a duty of the state to protest this all. यहाँ से आपको क्लियर ये समझना आ रहा होगा. अभी ये जो देखना, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये क्या है, कुछ यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं, देख लो. इसमें से कुछ यहाँ पे रखा गया है कि क्या क्या राइट्स हैं, ये सब आपको एक बार पढ़ लेना है. और कोई डाउट है तो बता देना. मैं अभी आपको थोड़ा डिस्कस कर रहा था. मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल राइट्स. द एम ऑफ एवरी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एसोसिएशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड what inalienable rights of man. These are liberty, property, security, resistance and operations. The sources of all sovereignty reside in the nations. No group or individual may exercise authority that does not come from the peoples. Liberty consists of power to do whatever is the injurious to the others. Liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others. Liberty ऐसा है कि है power, मगर दूसरों को ये injurious ना हो आप कर सकते हो. The law has been right to forbid only actions that are injurious to the society. The law is the expression of general will. All citizens have the right to participate in the formation personally or through their representatives. All citizens are equal before it. ये आप थोड़ा देख लेना, वो सेम चीजें हैं यहाँ पे. अभी इस चैप्टर में हमको और जो इम्पोर्टेंट बात है करना है वो है जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना. देखो ये एक सिंबल है, ये है स्नेक आपको यहाँ दिख रहा है, ये लेडी यहाँ पे एक आंख दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है, ये सब का ना कुछ एक मीनिंग है. कोई भी चीज का एक मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ. तो आप ईच एंड एवरी वन का मीनिंग, क्योंकि एग्जाम्स में एक पिक्चर देके आपको मीनिंग पूछे जा सकते हैं, आप अपने नोट्स में भी इसको कंप्लीट करिएगा. ठीक है, आप यहाँ तक अपना क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पिंग मी, आस्क मी इन द व्हाट्सएप. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.